ने केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर कैबिनेट बैठक में आने के लिए पहुंच चुके हैं। सर आज कैबिनेट बैठक है, हाँ जी, रिपोर्ट सौंप दी गई है और क्या कहना चाहेंगे? अब उसमें कहना क्या है, पहले भी कहा गया है, आज भी कहा जा रहा है, पिछड़ों के आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं। ये मैं एक साथ कर लीजिए चूंकि कैबिनेट का समय हो गया, ठीक है, एक साथ लगा लो सारी आईडी लगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार पहले दिन से यह कह रही है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण के बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे, और हमारी भावनाओं का, सरकार की भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमें समय दिया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए, उसके आधार पर डेडिकेटेड कमीशन का गठन किया गया है, उसकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई है, और सरकार की जो भावना पहले थी, सरकार की भावना आज भी है और यह सरकार की भावना बाद में भी रहेगी। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ संपन्न होंगे। बाकी डिटेल जो चर्चा होगी कैबिनेट की चर्चा से पहले मैं कोई आपसे बात और नहीं कर सकता। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ, आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। साफ तौर पर कि आज जो 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होनी है उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच चुके हैं।